नमस्कार, आई एम आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन सेम टू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज द सेकंड सेम फर्स्ट चैप्टर। तो आई सेंट यू यस्टरडे वन वर्कशीट एंड देन टुडे आई विल रिवाइज इट। ओके, चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में आपको रिमेम्बर है, आर यू रिमेम्बर क्या आता है, किसके बारे में है? व्हाट्स द नेम ऑफ चैप्टर नंबर? तो ब्रेव लिटल काइट। चैप्टर नंबर 7 नेम इज ब्रेव लिटल, द ब्रेव लिटल काइट। तो इनमें देर इज ए पोएम अबाउट लिटल काइट एंड बिग काइट। ओके, जो लिटल बिग काइट है बहुत लिटल काइट है बहुत स्केर्ड है, वही भी डरपोक है, और बिग काइट उनको उनके साथ फ्लाइंग करने के लिए ले जाना चाहती है। जिनके बारे में जो पोएम है, तो आज हुआ रिवीजन वर्कशीट में रिवाइज करेंगे वन बाय वन। ओके, चैप्टर नंबर 7 द ब्रेव लिटल काइट। तो इनके हम जो फर्स्ट वर्कशीट है ये रिवाइज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है इनमें क्या आता है? तो ब्रेव लिटल काइट, तो दो काइट है, एक लिटल काइट और बिग काइट। तो लिटल काइट है वो बहुत भयभीत हो चुकी है उड़ने के लिए, और जो बिग काइट है वो उनको क्या कहती है कि अब मेरे साथ आप भी फ्लाइंग करने के लिए चलो। तो ये जो फर्स्ट है आपकी जो वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन है उनमें क्या है? तो आई नेवर कैन डू इट, द लिटल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई, और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, बट द लिटल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई शैल फॉल। वो बहुत स्कैर्ड है, भयभीत है, इसलिए वो घबरा रही है। तो इनमें से देर आर टू क्वेश्चंस इन दिस स्टैंजा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द लिटल काइट स्कैर्ड। जो लिटल काइट है वो क्यों स्कैर्ड है, भयभीत है? स्कैर्ड मीन्स भयभीत, डरपोक। तो इनका सही आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट इज द लिटल काइट वॉज स्केर्ड बिकॉज ही थॉट ही वुड फॉल। वो उनको ऐसा लगता है लिटल काइट वो गिर जाएगी, इसलिए ही थॉट ही वुड फॉल। तो फर्स्ट आंसर इज ई। ओके, वो बहुत घबरा चुकी है इसलिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? व्हाट डिड द बिग काइट टेल द लिटल काइट? जो लिटल काइट है, बिग काइट लिटल काइट को क्या कहती है? तो द ट्रू आंसर इज द बिग काइट टोल द लिटल काइट दैट, अब क्या कहती है, इफ ही नेवर ट्राई ही वुड नेवर लर्न टू फ्लाई। जब जो बिग काइट है वो लिटिल काइट तो कहते हैं कि आप कभी ट्राई ही नहीं करोगी तो आप फ्लाइंग कैसे करना सकोगी? हाउ टू ही वुड नेवर लर्न टू फ्लाई, कभी भी वो फ्लाई लर्न नहीं करेगी, बिग काइट लिटिल काइट को ये कहती है। तो द ट्रू आंसर इज द बिग काइट टोल्ड द लिटिल काइट दैट इफ ही नेवर ट्राई ही नेवर लर्न टू फ्लाई। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट द राइमिंग वर्ड्स। तो ये जो स्टैंजा है आई नेवर कैन डू इट, इनमें देर आर टू राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट में ये है फ्लाई एंड क्राई, लास्ट में है, देखो आपकी जो लास्ट में ये है, यहाँ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, फ्लाई ट्राई देन इनमें। तो फर्स्ट इज फ्लाई का राइमिंग वर्ड है ट्राई, एंड ऑल
fall. So there are two rhyming words in this stanza. Okay. Now in question number second, there is a stanza. The big kite nodded his well goodbye. I am off, and he rose toward the tranquil sky. Then the little kite's paper stayed at the sight, and trembling he shook himself free for flight. These are stanzas, and there are four questions in your worksheet. The first question is, write the correct option A, B, C, D in the box given. Okay, so there are four options in this question. The first is, the big sky rose toward the, there are four options, cool sky, tranquil sky, high sky and blue sky. So, the true answer is B, tranquil sky. Okay. Now, second, the little kite. The little kite, there are four options. First is, seeing your worksheet, shook himself with fright, steered himself with fright, shook himself free for flight, and shook himself free for sight. The true answer is C, shook himself free for flight. Okay, this is the true answer. Then second question. What is second question in your worksheet? So second question is, write the rhyming words from the above given lines. So, इनमें जो given line है, उनमें से आपको rhyming words है वो लिखने हैं. तो there are two rhyming words, by and sky. By and sky, and second is shine and flight. Okay. Then what is the third question? The third question is, who spoke the following words? To whom? I am off. ये जो I am off है, ये जो words है, वो कौन बोल रहे हैं और किसको कह रहे हैं? तो ये जो इनमें big kite और small kite के बीच में जो conversation है, तो कौन बोल रहा है? आप भी answer दीजिए. Who spoke the following words? तो ये जो second lines है, I am off and he rose toward the tranquil sky. तो वो कौन बोल रहा है? Big kite. तो the true answer is, the big kite spoke to the little kite. To whom means किसको कह रहा है? तो जो big kite है वो small kite को कह रहे थे. The big kite spoke to the little kite. Okay. Now question number 4. Why did the big kite wish goodbye to the little kite? जो big kite है, वो little kite को goodbye ऐसे क्यों wish कर रही है? वो उनके साथ जाना क्यों नहीं चाहती? क्यों wish कर रही है? Because the true answer is, the big kite wished goodbye to the little kite because the little kite was very much afraid. वो बहुत भयभीत थी. वो बहुत भयभीत है इसलिए. Okay? Very much afraid. He wanted to fly in the sky. Big kite है. वो sky में जाना चाहती है इसलिए जो little kite है उनको goodbye कह दे देती है. The big kite wished goodbye to the little kite because the little kite was very much afraid, so he wanted to fly in the sky. Okay, so there are answers of revision worksheet first. Okay, bye. Thank you for joining us.